नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच में इन दिनों बीजेपी और जदयू के बीच में खींचतान जारी है। ऐसे में आज हम जानेंगे जदयू और बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के समय से ही दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, जो आज तक उसी तरह से जारी है। इधर नए सरकार के गठन के साथ ही दोनों दलों के बीच में कड़वाहट और भी तेज हो गई है। मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। रविवार को राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद यानी कि आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। अब जदयू और बीजेपी आर पार के मूड में दिख रही है। हालांकि दोनों दलों के नेताओं का यह भी कहना है कि बिहार में हमारा गठबंधन अटूट है और आने वाले समय में इसका कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच में रस्साकसी का दौर तब शुरू हुआ था जब अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा आम हो गया कि जदयू और बीजेपी के बीच गतिरोध का नया दौर शुरू होने वाला है। बिहार में मजबूत जदयू ने जब अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें हासिल की थी तो उस समय जदयू की ओर से यह कहा गया था कि उनका इरादा राष्ट्रीय पार्टी बनने का है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ राज्यों में वोट प्रतिशत लाना जरूरी होता है। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली जदयू का इरादा 3-4 और राज्यों में वोट प्रतिशत हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बनने का था, लेकिन हाल की घटना के बाद जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद से दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। जदयू ने इस मामले की गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर केसी त्यागी कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जदयू वहां का मुख्य विपक्षी दल है। जब से वहां सरकार बनी है तब से जदयू ने बीजेपी की प्रदेश सरकार के साथ विरोध नहीं किया। इसके बावजूद भाजपा ने हमारी पार्टी वहां पे तोड़ी। अब वहां की हालत यह हो गई है कि कोई भी पार्टी अपने पैर पर खड़ा होने के लायक नहीं है। हमने हमेशा भाजपा का वहां साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद अपने मित्र दल के विधायकों का तोड़ना निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का खिलाफ है और इस संबंध में हम अपना असंतोष जता चुके हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर केसी त्यागी से पूछा गया तो केसी त्यागी ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है और पुराना है। अटल जॉर्ज के दिनों की इस गठबंधन की बुनियाद मजबूत है। हमारे गठबंधन की उम्र लंबी है। केसी त्यागी भले मीडिया के माइक के सामने यह कह रहे हैं कि गठबंधन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी में असंतोष साफ देखा जा सकता है। जदयू के अंदर अब इस बात पर आम राय बन गई है कि बीजेपी से दो दो हाथ करना है और बीजेपी की हर बात को नहीं मानना है। इसकी एक वानगी हमने आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही देख लिया था। नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो उस दिन भी यह बयान दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी ने ही उनसे एनडीए का नेतृत्व करने के लिए कहा था। नीतीश कुमार बार बार यह बात कहकर इस ओर संकेत देना चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है और बीजेपी इस वजह से उनकी पार्टी पर अतिरिक्त दबाव नहीं बना सकती। अरुणाचल प्रदेश की घटना और आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जदयू के हित को ध्यान में रखकर राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और इस वजह से अगर गठबंधन टूटने की कोई स्थिति आए तो इसके लिए खुद को तैयार रखेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि गठबंधन तोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार यह चाहेंगे कि गठबंधन तोड़ने की पहल बीजेपी की तरफ से हो। बिहार एनडीए में वर्तमान में दोनों ही तरफ से खींचतान जारी है। विपक्ष लगातार गठबंधन टूटने की बात कह रहा है। ऐसे में अब यह देखना है कि नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होती है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।